2. आप को याद होगा हम लोगों ने हमारे सिटी के अंदर कुछ ट्रेन के कनेक्शंस बनवाए थे टोटल हमने लास्ट वीडियो में चार ट्रेन के स्टेशंस बनवाए थे उसकी मदद से अभी हमारे सिटी के अंदर लोग अच्छी तरीके से ट्रैवल करते हैं फिर हमने थोड़ा सा एयरपोर्ट का लोकेशन चेंज करा था फिर हमने यहाँ पे एक नया रेल लगाया था और उस वीडियो के एंड में हमने एक हार्बर लगाया था जिसके आज के एपिसोड में हम कुछ करने वाले और इसके साथ साथ गेम के अंदर मैंने थोड़ा सा चेंज करा है कुछ रोड्स को फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो जो ये वाला पार्ट देख रहे हो जहां पे अपना सबसे पहले आई थिंक ये था क्या सेमेट्री था उसकी जगह पे सेमेट्री को मैंने थोड़ी देर के लिए थोड़ा से, से शिफ्ट कराए दूर बिकॉज ऑफ दिस इंटरचेंज ये मैंने यहां एक नया इंटरचेंज बनाया हाईवे का आप देख सकते हो जो अपनी सिटी के अंदर मेन रोड्स आते हैं उनको मैंने सीधा ऐसा नीचे कराए एंड फिर ये जो वो सारे व्हीकल्स है वो अपनी सिटी के अंदर भी यहां पे एकदम अच्छे तरीके से एंटर कर सकते हैं मैंने जो लास्ट एपिसोड में यहाँ पे जो मेस बना रखा था ना कौन से भी रोड कहीं पर भी कनेक्ट हो रहे थे तो उनको मैंने अभी इस तरफ एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके

ऑफ कैमरा करा था मैंने ज्यादा कुछ करा नहीं था तो जल्दी से वीडियो की शुरुआत करते हैं लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले देख लो पॉपुलेशन सिक्सटी थ्री थाउजेंड का हो गया है जो कि अच्छे खास बढ़ रहा है एंड पॉपुलेशन आई मीन जो अपना प्रॉफिट है वो 846 मिलियन डॉलर्स का हो गया मुझे लग रहा है आज के वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में ये 1 बिलियन डॉलर्स टच कर लेगा के इतिहास में सबसे बड़ा प्रॉफिट होगा ये <laughs> मेरे बोल रहा हूँ मैं मुझे बाकी का पता नहीं है सो लेट गेट स्टार्टेड सबसे पहले हमको यहाँ पे अपने आना है हार्बर पे और मुझे हार्बर पे से याद आया मुझे uh, किसी ने यह बताया था कॉमेंट्स में कि अगर मैं हार्बर पे या ट्रेन स्टेशन पर अगर मैं लोगों से ज्यादा पार्किंग फीस चार्ज करता हूँ तो वहाँ पर ज्यादा व्हीकल्स आती नहीं है ऐसा भी किसी ने कॉमेंट करके बताया था तो प्लीज कंफर्म करके बता दो कैसे होता है अगर ऐसा होता है तो भाई मैं फिर बीस डॉलर लेगा ठीक है लोगों से ज्यादा पैसे लोगों से नहीं लेना और इस बार हम शिप का कलर थोड़ा सा अलग रखने वाले हाउ अबाउट रेड रेड कलर की शिप गाइज रखते थोड़ा सा एकदम पूरा लाल भड़क रेड कलर की शिप रहेगी तो यहाँ पे मैंने कलर सेलेक्ट कर लिया है। और जल्दी से लाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं तो ये यह यहाँ पे अपनी पहली लाइन आएगी इस तरीके से एंड फिर एक लाइन तो अपनी कंप्लीट हो गई और मैं ये वाले हार्बर को और ये वाले हार्बर को भी एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ तो क्या मैं यहाँ से आ, एक और लाल कलर चूज करते हैं इस बार हम में भी वाइट कलर का कैसा रहेगा पूरा ऐसा पांडरी पांडरी शिप होगी तो यहाँ पे मैंने वाइट कलर सेलेक्ट करा है आ, तो वाइट लाइन में भी वाइट आएगी शिप व्हाइट मतलब शिप का कलर व्हाइट हो जाएगा तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन मैं कनेक्ट कर दूँ तो चल जाएगा नो no वरीज तो फिर ना लोग ये वाले हार्बर पे ये वाले हार्बर ये वाले हार्बर से इधर इजीली जा सकते हैं तो ये मैंने यहाँ पे गाइस लाइन को कंप्लीट कर दिया तो अभी लोग ये वाले हार्बर से इस हार्बर पे इजीली ट्रैवल कर पाएंगे शिप के हमने कनेक्शंस तो करवा दिए एंड लेट मी चेक कोई लाल कलर की शिप आ रही है क्या मेरे को देखना है लाल शिप कैसी दिखती है आ गई और इसके अंदर तीन पैसेंजर्स भी है सो गाइस वेलकम करिए अपनी लाल परी का <laughs> मैंने वही रेड पैसेंजर शिप पहली बार देखी है क्या ही प्यारी लग रही है ना आई जस्ट लव Ships का आप इसका लिटरली स्क्रीनशॉट लेके अपने वॉलपेपर पे लगा सकते हो इतना प्यारा नजारा है ये काश ना इसके अंदर का भी हमको कुछ यार नजारा वगैरह देखने को मिलता तो भाई मजे आ जाता वो oh वेट अंदर का नज़ारा दिखाई नहीं मैं अंदर मैंने जूम कर लिया बट अंदर के डेक वगैरह दिखाई नहीं दे रही है बट ऐसा ही लग रहा है मैं अंदर देख रहा हूँ शिप के तो बहुत प्यारा शिप है फाइनली अपने शिप के नए कनेक्शन बनवा दिए हमने एंड जो दूसरा कनेक्शन बनवा दिया है आई थिंक इधर से भी लोग ट्रैवल करना दूसरे हार्बर पर शुरू कर देंगे इसके बाद अभी मैं सोच रहा हूँ सबसे पहले जो अपना मोमो डिस्ट्रिक्ट है आई एम सो सॉरी मोमो डिस्ट्रिक्ट बट आई नीड टू डिलीट दिस डिस्ट्रिक्ट तो मोमो डिस्ट्रिक्ट को गाइज हमने डिलीट कर दिया है क्योंकि ये वाले लोकेशन पे हम लोग एक नया डिस्ट्रिक्ट मतलब ये पूरी ही नई सिटी में बनाने की सोच रहा हूँ इसमें देसी बालक को भी हम डिलीट कर देंगे ठीक है एकदम नए डिस्ट्रिक्ट बनाने वाले में इस बार और बिजली नगर भी आई थी यहीं पर कहीं पर था या मैंने इसको उड़ा दिया ऑलरेडी हेलो वेयर इज माई बिजली नगर हाँ ये रहा ये रहा एप्पल स्क्वायर भी था मैंने कितने सारे अलग अलग अजीब अजीब नाम दिए थे तो एप्पल स्क्वायर भी मैंने उड़ा दिया एंड अपना बिजली नगर इसको भी उड़ा देते हैं एंड अभी हम लोग कुछ नए डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेते हैं अपना मार्क टूल एंड यहाँ पे अपना एयरपोर्ट टाउन था इसको भी मैं डिलीट करके अभी हम लोग एकदम तमीज से नए डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे गेम को मैं पॉज ही रखता हूँ और अभी अपना आते हैं ये वाला टूल एंड अभी डिस्ट्रिक्ट को मार्कआउट करते हैं सबसे पहले मैं यहाँ से एक डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करूँगा यहाँ से ये 90 डिग्री में कुछ इधर से यहाँ तक आएगा पहला डिस्ट्रिक्ट गेमर्स हमने यहाँ पे मार्कआउट कर दिया है और इसको मैंने एग्जैक्टली अपने सिटी का जो मेन रोड है उससे स्प्लिट करा है हाफ में एंड अभी इसको नाम मिला है रोज वोल्ड टेरेस गेमिंग से रिलेटेड नाम देते तो गेमिंग सिटी आई थिंक बढ़िया नाम रहेगा तो पहला डिस्ट्रिक्ट मार्कआउट हो चुका है जिसका हमने नामकरण करा है गेमिंग सिटी इसके अंदर भी जल्दी से पॉलिसी मार्कआउट कर दे कम्बस्टन इंजन बैंड रहेगा एनर्जी रहेगा रहेगावी ट्रैफिक बैन ऑब्वियसली रिसाइकलिंग एंड रोड साइड पार्किंग फी हम कम लेंगे इस बार में ज्यादा नहीं लेने वाला लोगों से दस डॉलर ठीक रहेगा एंड स्पीड बंप भी लगा देते तुम लोग अपना बड़बड़ बंद बड़ बड़ करो यार ये एड्स कैसे बंद करते यार हमेशा गधे कहीं के बीच में बड़बड़ करते रहते हैं ये

रहे स्पीड बम्स जैसे मैंने स्पीड बम का पॉलिसी लगाया यहाँ पे अभी लोग बोल रहे हम ज्यादा स्पीड से गाड़ी नहीं चलाएंगे सो मेनी पीपल आर गेटिंग सिक द सिटी शूट रियली लु एट देयर हेल्थ केयर और गाइज थोड़ा हेल्थ केयर के ऊपर भी देखना पड़ेगा uh, तो गाइज़ थोड़ा कि हमको अभी मैं पॉजिटि रखता हूँ अभी हमको एक और डिस्ट्रिक्ट बनाने का है और ये वाला डिस्ट्रिक्ट में पूरा इसमें इंडस्ट्रियल एरिया मैं दो ही बड़े डिस्ट्रिक्ट बनाने के सोच रहा हूँ uh, या फिर अपना जो uh, देसी बालक सिटी हमने बनाया था ना उस डिस्ट्रिक्ट को आई थिंक थोड़ा सा मुझे अलग रखना चाहिए तो इसके अंदर हम uh, ये वाला जो स्पेस स्टेशन वाला एरिया है अपना स्पेस सेंटर इसको भी एक्वायर करेंगे यहाँ से एकदम नाइन्टी डिग्री में यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ तक ये रोड से कंप्लीट हो गया और इसको क्या ना अरे यार कंप्लीट हो जाना यार प्रॉब्लम क्या है ए? ये यहाँ से इधर तक आएगा हाँ ये ये हो गया मार्कआउट तो इसको क्या नाम मिला इसको इमरसन ग्लिन क्या बकवास नाम मिलते हैं यार आ, वैसे मैं भी बकवासी नाम देता हूँ डाउन टाउन एकदम बढ़िया नाम रहेगा मे भी थोड़ा सा इंग्लिश है तो थोड़ा सा ना ऐसा रॉफ भी हारेगा हम लोग इंग्लिश नाम दिया है तो इसको हम डाउनटाउन बुलाएंगे इसके अंदर पॉलिसीज लगा देते हैं कंबर बैन गेटेड कम्युनिटी नहीं करनी है मुझे एनर्जी अवेयरनेस ट्रैफिक बैन एंड साइड पार्किंग फी ओनली डॉलर थोड़ा सा महंगा रहेगा इधर से एंड स्पीड बम्प तो एक और डिस्ट्रिक्ट बन गया अपना डाउनटाउन एंड अभी एक और बनाने का है तो ये वाला डिस्ट्रिक्ट हम इधर से सारी चीजें उसके अंदर कवर करेंगे एकदम इधर से बनेगा अब बनना यार ओके तो यहाँ से बनेगा तो इसके अंदर ये पूरा इंडस्ट्रियल वाला पूरा अलग ही बनाते हैं ना इंडस्ट्री के लिए आई थिंक पूरा अलग डिस्ट्रिक्ट रखना चाहिए और अभी अपना ये जो एयरपोर्ट वाला है ये एयरपोर्ट को मैं यहाँ से पूरा कवर करने वाला हूँ ये भी बन गया अपना इसका क्या नाम है कुपर फील्ड हागे हागे सिटी ठीक है तो या एक तो यार मेरा फेवरेट नाम बनता है ना तो यहाँ पे ये अपना हागे हागे सिटी रहेगा तो तीन नए डिस्ट्रिक्ट मार्क आउट कर दिए हागे हागे सिटी अपना डाउन टाउन एंड ये अपना यहाँ पे है गेमिंग सिटी तो तीन नए डिस्ट्रिक्ट मैंने मार्क आउट कर दिए एंड लेट मी चेक जो मैंने यहाँ पे वाइट शिप्स शिप लगाई थी उन वहां से कोई आ रहा है क्या शिप लेके आई I मीन mean, इधर से यहाँ पे ट्रेवलिंग चल रहा है क्या चल रहा है ये रही अपनी वाइट कलर की पैसेंजर शिप जिसके अंदर अभी कोई पैसेंजर तो नहीं है पूरी व्हाइट शिप भी यार क्या बढ़िया

मैं यहाँ से इधर भी लेके जाएगा जस्ट लाइक दिस ये यहाँ से यहाँ तक तो गाइड्स यहाँ पे मैंने एयरपोर्ट के सामने कुछ रोड के कनेक्शन कर दिए एंड जो अपना यहाँ पे इंटरचेंज बना यहाँ पे हम लोग एक राउंड बॉट लगा देंगे बड़ा सा तो यहाँ राउंड बॉट लगा दिया जिससे कि ट्रैफिक जैम नहीं होगा एंड उसके बाद मुझे यहाँ पे भी लेना है अपना टूल माय वन ऑफ द फेवरेट टूल इस गेम का जो कि है अपना पैथवेज और पैथवेज़ में इसकी वजह से ताकि यहाँ पे हम लोग इधर उधर जाने के लिए प्रॉपर लोगों को रोड दे सके कुछ इस तरीके से बन जा भाई बस मुझे बीच में इंटरसेक्शन नहीं लगाने का है कुछ इस तरीके से नहीं इंटरसेक्शन नहीं बस यही से यहाँ तक और फिर बीच में से भी हम लोग ये लाइन ड्रॉ कर देंगे ताकि लोग इधर उधर चल के इजिली जा सके ये गेमर्स मैंने यहाँ पे कुछ लेआउट्स बनवा दिए हैं अपने एयरपोर्ट के सामने वाले कमर्शियल एरिया के लिए एंड लेट्स गो एंड जल्दी से कुछ नए कमर्शियल एरियाज में यहाँ पर मार्कआउट कर देता हूँ जो कि ये सारे के सारे नॉर्थ अमेरिकन स्टाइल के मैं बनाने वाला हूँ तो यहाँ पे मैं इनको मार्कआउट कर देता हूँ सारे के सारे में कुछ मीडियम मीडियम कुछ बनाते हैं यहाँ पे कुछ हाई डेंसिटी वाले भी बना देंगे इसी के साथ साथ मीडियम हाई डेंसिटी ऐसा हम बनाएंगे तो इधर तक अपना पूरा मीडियम मीडियम रहेगा एंड फिर ये वाले पार्ट में थोड़ा सा हाई डेंसिटी ये वाले जो चारों कॉलम है ना यहाँ पे मैं हाई डेंसिटी कर दूँ क्या अरे ये मार्कआउट हुआ है क्या एक सेकेंड हाँ यहाँ पे हाई डेंसिटी हाई डेंसिटी हाई डेंसिटी हाई डेंसिटी और फिर वापस से यहाँ पे मीडियम और मीडियम तो मैंने नए कमर्शियल एरियाज़ मार्कआउट कर दिए एंड उसका भी देखा डिमांड धीरे धीरे यहाँ से कम हो रहा है और फिर उसके बाद और ज़्यादा डिमांड बढ़ी अपने मीडियम डेंसिटी की रेजिडेंशियल uh, एरिया की ये हमने कमर्शियल बनाए एंड थोड़ी सी हाई डेंसिटी की भी डिवियन बढ़ रही है तो मेरे को हाई डेंसिटी रेसिडेंशियल एरिया कहाँ पे बनाना चाहिए एयरपोर्ट के सामने नहीं नो no वे यार एयरपोर्ट के सामने आई थिंक नहीं बनाना चाहिए मुझे हार्बर के साइड में यहाँ पे एक नई सिटी डेवलप करने की सोच रहा हूँ मैं क्योंकि रेसिडेंशियल एरिया कुछ यहाँ पे भी लग जाएंगे और कुछ हम यहाँ पर भी वैसे लगा सकते हैं तो यहाँ पर क्यों ना मार्कआउट कर दे कुछ हाँ यहाँ पे भी लग जाएंगे तो एक काम करते हैं uh, सबसे पहले कुछ रोड के कनेक्शन बना देता हूँ मैं जस्ट लाइक दिस लेआउट बनाते हैं सबसे पहले और फिर उसके बाद हम लोग uh, बनाएंगे एरियाज और ये ऐली यहाँ से अप होगी कुछ इस तरीके से हम ब्रिज बनाएंगे एंड इसको यहाँ पे वापस पेज डाउन करेंगे ताकि ये लोग सीधा हार्बर पे जा सके स्मार्ट या आई मीन सीधा रोड का कनेक्शन बन गया छोटा सा बीच में ब्रिज बन गया आप ये ब्रिज क्रॉस करके सीधा यू नो हार्बर पे जा सकते हो अगर आपका वहाँ पे कुछ काम है यू कैन डू यूअर वर्क ईजीली और फिर इसके बाद हमको यहाँ पे अपना ऐली लेके अभी आई मीन पैथवे लेके यहाँ पे बस कुछ रोड्स के ऐसे कनेक्शन करवाने ताकि लोग इजीली इधर उधर ट्रैवल कर सकें और बीच से भी एक रोड का अपना एली पैथवे रहेगा जिससे आप सीधा यहाँ से इसको हम कनेक्ट कर देंगे और फिर ये भी यहाँ पे कनेक्टेड रहेगा नाइस इट्स लुकिंग गुड और बीच बीच में ये जो अभी एक लाइन अभी छूट ही रही है तो ये इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ अरे नहीं यार फिर ए एक और नहीं आई थिंक इतना ही ठीक रहेगा और अभी यहाँ पे मैं मीडियम डेंसिटी रेसिडेंशियल एरिया मार्कआउट कर देता हूँ वही की जरूरत मतलब उसी की ज़रूरत है तो ये मीडियम डेंसिटी रेसिडेंशियल एरियाज़ यहाँ पर मार्कआउट कर दिया मैंने मीडियम डेंसिटी और फिर उसके साथ साथ ये अमेरिकन स्टाइल के होंगे और कुछ मैं यूरोपियन स्टाइल के भी बना देता हूँ मिक्स होमिंग अच्छा लगता है मुझे रॉ हाउसिंग भी करते थोड़ा सा इसकी भी डिमांड बढ़ती है कि सिटी में कभी कभार तो रो हाउसिंग कर दिया ये हमने यहाँ पे और थोड़े से नए रेसिडेंशियल एरियाज मार्कआउट कर दिए इसकी मदद से भी काफी सारे लोग अपने सिटी के अंदर शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे एंड देखते ही देखते सिटी का जो प्रॉफिट है वो बढ़ के अठारह मिलियन डॉलर्स का हो गया मुझे लगता है आज के वीडियो में अपना टारगेट कंप्लीट हो जाएगा वन मिलियन डॉलर का एंड ये वाले शिप के अंदर एक बार देख लेता हूँ कितने लोग है या छह लोग है सो गाइज लोग यहाँ पे ट्रेवलिंग कर रहे हैं अपना यू you नो know, वो नया रूट का यूज़ करके नया हार्बरशिप का रूट यूज़ करके एंड एक सेकेंड गाइज मेरे को आपको ना एक और चीज़ बतानी है और वो ये है कि यहाँ पे मैंने ऑफ कैमरा थोड़ा सा अपना जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसके अंदर मैंने थोड़ा सा चेंज करा है यहाँ पे जो अजीबो गरीब रोड के कनेक्शंस बने थे वो सारे के सारे मैंने कनेक्शंस काट दिए हैं और प्रॉपर कनेक्शन बनाने की कोशिश करी है दैट्स वाई यहाँ पे जो अपना ऑयल रिक था अपना जो ऑयल यहाँ पे प्रोड्यूस होता है ये मुझे यहाँ से बुलडोज करके वापस लगाना पड़ेगा क्योंकि मैंने इसको ना ऐसा अजीब रैंडम शेप में बना दिया था इसको अभी में हम थोड़ा सा ना प्रॉपर शेप में बनाने की कोशिश करेंगे सो दैट्स वाई अभी वापस से आते हैं और यहाँ पर हमको कुछ रोड के कनेक्शन बनाने पड़ेंगे एक बार मैं देख लेता हूँ यहाँ पर ऑयल कितना बहुत कम ऑयल बचा है <laughs> गाइस हमने लगभग सारा का सारा इधर का ऑयल चूस के निकाल लिया है बहुत सारा ऑयल था यहाँ पे बट अभी ठीक है अभी जितना है उसी ऑयल को हम निकालेंगे डोंट वरी और वैसे भी हमको ना ऑयल के ऊपर डिपेंड रहने की ज़्यादा जरूरत है क्योंकि हमने ऑलरेडी अपना यू नो ऑफिस वगैरह यू नो बाकी इंडस्ट्री सेट करी है तो वहां से भी अपना अच्छा खासा इनकम आता है सो दैट्स वाई ये वाले रोड को हम सामने की तरफ आगे की तरफ लेके आएंगे कुछ इस तरीके से जस्ट लाइक दिस बस ये लैंड आई थिंक मुझे थोड़ा सा प्लेन करने की ज़रूरत नहीं यार अगर प्लेन कर दिया तो फिर काफ़ी लोग कंप्लेंट भी कर दे तो हर जगह पे प्लेन क्यों का है करता है तो थोड़ा सा इसको अच्छा लगाने के लिए मतलब तो ऐसा ही इस, इसको ना ऐसा ही बनाते हैं तो ये वाला रोड इससे कनेक्ट हो गया uh, बीच में से एक एली बनाने वाला हूँ मैं नाइन्टी डिग्री में बीच में से एली यहाँ से यहाँ तक आएगी और इसके दोनों तरफ जितना भी ऑयल है वो सारा हम ईजिली प्रोड्यूस जितना भी है उसको ज़मीन से चूस के बाहर निकाल देंगे तो अपना एक ऑयल का इंडस्ट्री यहाँ पे लग जाएगा ये पूरा एरिया यहाँ से कवर कर लेगा और दूसरा इधर लग जाएगा ये भी पूरा ऑयल का एरिया कवर कर लेगा तो मेरे को बस दो फैक्ट्रीज लगानी थी लास्ट टाइम मैंने ऐसा ना हाफ सर्कल लगाया था काफ़ी अजीब लग रहा था वो बट इस बार थोड़ा सा यू नो इम्प्रूवमेंट करिए हमने थोड़ा सा भी क्रिएटिवनेस दिखा रहे तो बनता है इस चीज़ को वापस से बिल्डअप करना सो दैट्स वाई इसको भी जैसे यहाँ पे मैं मार्कआउट कर देता हूँ और मेरे को सबसे अच्छी चीज़ लगती है इस गेम में वो पाथवे एंड एलिज बहुत ही प्यारे क्यूट छोटे से रोड बनते हैं और फिर ये वाला भी रोड यहाँ से इधर तक आएगा एंड इसको हम यहाँ से यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे जस्ट लाइक दिस और ये भी आके यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा सो दैट्स वाई अपना ऑयल का यहाँ पे बिजनेस सेट हो गया और इसको 90 डिग्री में यहाँ पे तो, ओके okay, यहाँ तक आएगा एंड अभी बारी है इस वाले बिल्डिंग की बॉर्डर मार्कआउट करने की तो इसको भी यहाँ तक एग्जैक्टली सेम टू सेम हम लोग बनाएंगे ये मैंने गाइज वापस से ऑयल के इंडस्ट्रीज मार्कआउट कर दिया एंड इस बार थोड़ा सा हमने तमीज से बनाया है एंड अभी जो साइड में स्पेस बचा है वो मैं आई थिंक थोड़ा सा इंडस्ट्रियल मार्कआउट कर देता वैसे भी थोड़ा सा इंडस्ट्री की डिमांड बढ़ रही है तो इसको हम इंडस्ट्रियल थोड़ा सा मार्कआउट कर देंगे तो यहाँ पे मैंने इंडस्ट्रियल एरिया मार्कआउट कर दिया और ये भी लेन पूरी अपनी इंडस्ट्रियल रहेगी एंड जो बीच में स्पेस बचा है उस साहब पे हम थोड़े से ट्रीज़ वगैरह लगा देंगे क्योंकि यू you नो know, वो भी होने चाहिए तो दैट्स वाई अभी आता है ट्रीज़ में कुछ यहाँ पे हम लोग ट्रीज़ वगैरह प्लांट कर देंगे जस्ट लाइक दिस कहाँ पे गई ट्रीज अभी ट्रीज आ, आ ये यहाँ पे तो ये मैंने यहाँ पे कुछ ट्रीज प्लांट कर दिए इधर के और उधर के आ, सारे ट्रीज लगेंगे यहाँ पर ये वाले पार्ट में भी तो इंडस्ट्री में थोड़ा सा ना ऐसा अच्छा लगेगा यहाँ पे लोगों ने वैसे फैक्ट्रीज वगैरह बनाना शुरू कर दिया और इधर भी फैक्ट्रीज बन रही है तो ये काम हो गया अपना एंड अभी बारी है को शिफ्ट कराने की जो कि मैंने सिमेट्री की जगह पे ये वाला जो हाईवे बनाया था आ, उसका मेरे को आ, नया लोकेशन देखना पड़ेगा तो सिमेट्री कहाँ पे बना यार उसके लिए रखता है बहुत बड़ा स्पेस चाहिए वेयर शुड वी बिल्ड सेमेट्री ये मैंने गेमनेट्री को अभी शिफ्ट करवा दिया है ये वाले लोकेशन पे सिटी से दूर है तो किसी को प्रॉब्लम भी नहीं होगा एंड दिखने में भी अच्छी लगेगी तो अपना ये सिमेट्री यहाँ पे शिफ्ट हो गया और उसी के साथ साथ अभी हमको ये वाले एरिया में नई सिटी मतलब बिल्ड करनी है दैट्स वाई मैंने इस लैंड को थोड़ा सा प्लेन कर दिया है और ऑब्वियसली हम हर जगह पे प्लेन लैंड करके तो सिटी नहीं बनाएंगे दैट्स वाई ये ऐसे ही इस लैंड में अपना एक और नया सिटी बिल्क होगा ये मैंने यहाँ पे गेमर्स ये सिटी के लिए थोड़ा सा नया लेआउट बना दिया है जो कि अपने हार्बर के पास वाली सिटी है तो यहाँ पे भी आई थिंक बिल्डिंग्स अभी थोड़े से अन एरिया में बनेगी तो थोड़ा सा रिय, रियलिस्टिक तो लगेगा ही एंड ये आ गई अपनी लाल परी ना आई मीन लाल शिप आ गया इसके जरिए से कितने पैसेंजर्स हैं मेरे को शिप्स बहुत अच्छी लगती है फिफ्टी टू पैसेंजर्स है और छः कुत्ते भी है या uh, yeah, मतलब एनिमल्स भी है उसके साथ साथ एंड नाउ लेट्स गो और यहाँ पे जल्दी से मैं नए एरिया मार्कआउट कर देता हूँ वैसे ये वाले एरिया में यार काफी सारा वाटर रिजर्व था वैसे वाटर रिजर्व की तो जरूरत है इसलिए क्योंकि अभी हम लोग समंदर का पानी फ्रेश करके सिटी के अंदर प्रोवाइड करते हैं uh, तो अभी ये वाले पार्ट में ओनली अमेरिकन थीम के ये वाले पार्ट में यू नो हाउसेस रहेंगे ये मैंने यहाँ पे हाउसिंग को मार्कआउट करना शुरू कर दिया सारे के सारे ये वाले एरिया में अमेरिकन हाउसेस रहने वाले एंड यहाँ पे भी हम लोग मार्कआउट कर देते हैं और मुझे देखना ये हिल के ऊपर कैसे घर बनते हैं तो ये वाला पार्ट मैंने पूरा मीडियम डेंसिटी

भाई कितने लोग हैं oh! बहुत ही ज्यादा गाइज लोग अभी भी हमले हैं दैट्स ना मुझे जल्दी से जल्दी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनानी पड़ेगी तो एक काम करते हैं ये वाला एरिया फिर हम हाई डेंसिटी ही गाइज मार्कआउट कर देंगे तो एक काम करते हैं ये वाला जो अपना एली वाला रूट है इसको सामने की तरफ एली नहीं आई थिंक पैथवे बनाते थोड़ा सा बीच में अच्छा लगेगा तो इसको हम ना यही बनाएंगे मतलब नॉर्मल ही रखेंगे इसको तो ये वाला यहाँ से यहाँ तक आएगा और ये वाला भी एली यहाँ से हम लोग नाइन्टी डिग्री में यहाँ पे एनड कर देंगे और बीच से भी आप ऐसा चल के इधर उधर जा सकते हो जस्ट लाइक थे यहाँ से यहाँ पे एंड बीच वाले पार्ट में हम ट्रीज़ लगा देंगे ठीक है ये वाले पार्ट में सारे ट्रीज़ रहेंगे ये वाले एरिया में गायज मैंने हाई डेंसिटी वाले रेसिडेंशियल एरियाज़ वाली बिल्डिंग मार्क आउट कर दिए एंड उसकी डिमांड अचानक से ड्रॉप हो गई या इतनी डिमांड थी तो हमने वो पूरी कर दी तो ड्रॉप हो जाएगी तो यहाँ पे जैसी ट्रेन जाएगी ना हमको ये इधर बड़ा सा ऐसा प्यारा सा व्यू नजर आएगा फाइनली गस अपने ये नई सिटी के अंदर कुछ यहाँ पे घर बनना शुरू हो चुके हैं ये अमेरिकन बिल्डिंग और सीरियसली बहुत प्यारी लगती है मुझे ये तो अपना मीडियम डेंसिटी है हाई डेंसिटी की तो अभी यहाँ पे बनना बाकी हो गई है आई I मीन mean, बाकी रह गई है और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा और हाई डेंसिटी कमर्शियल एरिया भी मार्कआउट कर दिया है तो ये वाले अपनी पूरी रेन कमर्शियल एरिया इसकी रहेगी लोग यहाँ पर रहेंगे शॉपिंग करने के लिए इधर आएंगे एंड ट्रैवल करने के लिए ऑब्वियसली यहाँ पे हार्बर तो है ए ए हार्बर ए अभी सिपको क्या हो गया अभी निक अटक गई क्या ये बारह पैसेंजर लेके गई शिप अटक गई एक सेकेंड मुझे आई थिंक इस एरिया को थोड़ा सा आई थिंक प्रॉपर प्लेन मैंने किया नहीं है अबे मैंने प्लेन तो कर रखा था ना एक सेकेंड आई थिंक ये प्लेन ओ वेट ये गाइस थोड़ा सा ना ऐसा अन ईवन है <laughs> दैट्स वाई अटक पड़ी थी अरे डूब गई वो सॉरी 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 तो इसको ना गाइस मैं प्लेन कर देता हूँ ऐसा स्मूथ कर देते हैं ताकि यहाँ पे शिप ईजिली जा सके तो ये मैंने एरिया को थोड़ा सा गाइस स्मूथ कर दिया अब ये तो डूब गई टाइटेनिक की तरह शिप डूब गई बट डोंट वरी वापस से उठ खड़ी हो चुकी है अपनी टाइटेनिक वाली शिप एंड uh, देखते ही देखते रेसिडेंशियल एरिया बनके तैयार हो गया भाई क्या ही बढ़िया लग रहा है और तो अभी सिटी अपनी धीरे धीरे इधर एक्सपांड हो रही है एंड जो मैंने यहाँ पे कमर्शियल एरिया बनाया था एयरपोर्ट के साइड में वहां पर भी कमर्शियल बिल्डिंग्स बन गई यहाँ पे अपना मीडियम डेंसिटी है यहाँ पे हाई डेंसिटी अच्छा लग रहा है सीरियसली एंड एयरपोर्ट पर भी वैसे कितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं लेट मी चेक एयरपोर्ट पर अगर हम लोग देखेंगे तो अभी Uh, कितने पैसेंजर्स 132 पैसेंजर्स वेट कर रहे हैं दो टन ऑफ स्टोरेज यहाँ पे कार्गो का हो चुका है सिटी का अगर हम यहाँ पे प्रोडक्शन देखेंगे तो तीस हजार टन हम लोग गेमस गेहूं गी इम्पोर्ट कर रहे हैं तो गाइज मुझे लग रहा है ना मैं कुछ गलत कर रहा हूँ आई थिंक क्योंकि मुझे काफी सारे लोगों ने कॉमेंट्स में यह भी बोला था कि जहाँ पे ना वेट होता है ना अपना नेचुरल रिसोर्सेस ये वाला जैसे कि यहाँ पे मुझे ये वाले एरिया में कमर्शियल एरिया मार्कआउट करने इंडस्ट्रियल एरिया मार्कआउट करने क्योंकि अगर मैंने वो बना दिए तो आई थिंक वहाँ पे गेहूं प्रोड्यूस किया जाएगा सीधा तो एक काम करते फिर ये वाला जो अपना क्या लगाया था यहाँ पे हमने तो कि ये लाइस्टॉक फार्मिंग है तो आई एम सो सॉरी लाइ स्टॉक फार्मिंग को मैं यहाँ से हटाने वाला हूँ और ये वाले लोकेशन पे हम लोग ना आ, फैक्ट्रीज लगा देंगे थोड़ी सी देखते तो है कि क्या ये चीज़ सही में काम करती है तो काम करते हैं ये वाला जो रोड है इसको हम थोड़ा सा अपग्रेड करेंगे जो मैंने नॉर्मल रोड बनाया था इसको मैंने अपग्रेड कर दिया और ये वाले लोकेशन में हम कुछ नई फैक्ट्री सेट कर देंगे बट वैसे फैक्ट्री का डिमांड तो बड़े है ही नहीं तो आई डोंट नो बट इसको मैंने मार्कआउट कर दिया लेट्स की का कोई फैक्ट्री बनती है मुझे लग रहा है यहाँ पे ग्रेन्स की फैक्ट्रीज बनेंगी ऐसा लग रहा है अभी लोग फैक्ट्रीज नहीं बना रहे हैं एंड अगर नहीं बना रहे तो वी हैव एन आइडिया Uh, जैसे ही मैंने यहाँ पर अपना टैक्सेशन कम कर दिया और इंडस्ट्रियल का लोग फैक्ट्रीज बना देंगे मतलब उसकी डिमांड बढ़ जाएगी तो अभी मैंने बारह परसेंट कर दिया है मैं थोड़ा सा और टैक्स कम कर दूँ मैं uh, वैसे हमको पैसे तो मिल ही रहे तो गया थोड़ा सा और कम करते हैं जैसे ही uh, ठीक हो जाएगा हम इसका वापस बढ़ा देंगे ठीक है तो अभी मैंने आठ परसेंट कर दिया है एंड आठ परसेंट करते ही डिमांड बढ़ने लगा इंडस्ट्री से मुझे याद आया एक और चीज़ भाई ये तो मैं आपको बताना भूल ही गया भाई मतलब मैंने इतने सारे चेंजेस करे थे ना मैं इसके बारे में तो भूल ही गया तो आपको याद होगा लास्ट वीडियो में यहाँ पे हमने बहुत ही ज़्यादा मैच फैला रखा था कहीं पे भी अपना रेल यार्ड लगा के मैंने दो रेल यार्ड लगाए थे कि यहाँ पे और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था तो वो सारे के सारे रेल यार्ड हटा दिए जो मैंने गंदे रोड बनाए थे उनको हटा दिया और उनके जगह पर एकदम हमने इस बार प्रॉपर ब्रिजेस के रोड्स के कनेक्शन बनाए जो कि यहाँ से पूरे सिटी के अंदर जाते हैं इजिली यहाँ पर भी कोई भी किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है ये थोड़ा सा एकदम नाइन्टी डिग्री में बनाए बिकॉज ना यहाँ पे हाइट बहुत ज्यादा मतलब ऐसा अन एरिया मतलब आप देख सकते हो कितना हाइट से ये वाला रोड यहाँ पे आके अपने इंडस्ट्रियल एरिया में जाता है तो ये वाला मैंने ऑफ कैमरा बनाया था आउट ऑफ फ्यूल क्या कौन सी बिल्डिंग है ये तो कोल पावर प्लांट गाइड्स आउट ऑफ फ्यूल हो चुका है uh, तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए ऑफ कर देता हूँ क्योंकि हम एनर्जी काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है एंड उसके साथ साथ गाइड्स आप देख सकते हो ये वाला अभी लैंड काफ़ी यहाँ पे खाली रह गया तो अपना अभी जो नेक्स्ट इंडस्ट्रियल एरिया बनेगा ना हम इसी वाले एरिया में उसको डेवलप करने की कोशिश करेंगे एंड उसी के साथ साथ जो अपना कार्गो हार्बर है उसका भी मैंने यहाँ से ना रेल का कनेक्शन काट दिया है क्योंकि यहाँ पर ना ऐसे आड़े टाड़े रेल के ट्रैक्स बने थे तो मैंने एक ही साथ में ना सारे ट्रैक्स के कनेक्शन काट दिए बस अभी बस बाहर से ही आई थिंक कुछ रेल ट्रैक के कनेक्शन से बस वही बचे और तो हम ये रेल का जो नेटवर्क होगा वो आने वाले कुछ एपिसोड्स में इसको ठीक कर देंगे क्योंकि अभी मेरे को एक और प्रॉब्लम प्रॉब्लम सॉल्व करना है है एंड ये ये वो ये है, जो हमने यहाँ पे थी वो एकदम ऐसे अन ईवन एरिया में बनी थी एकदम हाइट वाले एरिया में ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है सो दैट्स वाई मैं इन माइंस को यहां से हटाने वाला हूँ और इनके जगह पे हम लोग एकदम प्रॉपर शेप में नई माइंस लगाने वाले आई एम सो सॉरी इधर के लोग नाराज हो जाएंगे बट आई नो तो सबसे पहले इसको मैं सेलेक्ट करके इधर इसके में रोड डिलीट कर देता हूँ नेचुरल रिसोर्सेस अगर देखेंगे तो ये वाले पूरे एरिया में भर भर के नेचुरल रिसोर्सेस और ये सारा का सारा ओर एंड कोल है uh, तो दैट्स वाई हम लोग ये लैंड को थोड़ा सा भी प्लेन करना ही पड़ेगा क्योंकि अगर मैंने अनियम एरिया में बनाया तो यार वो फैक्ट्रीज अच्छी नहीं लगती है सो आई एम सो सॉरी मुझे इस एरिया को थोड़ा सा प्लेन करना पड़ेगा और काफ़ी सारे गेमर्स कंप्लेन कम, करते रहते हैं कि भाई तू हर एक पहाड़ को प्लेन करता जा रहा है सो so, वही ऐसा नहीं है जहाँ पे रिसोर्स है वो ऑब्वियसली हमको प्लेन करना ही पड़ेगा एंड अगर उसको प्लेन नहीं करा तो उसको बनाने में ना बहुत प्रॉब्लम आता है और वो अच्छा भी नहीं दिखता है सो दैट्स सर मैं एरियाज़ को प्लेन करता रहता हूँ बट इस बार डोंट uh, वरी ये भी देखो अगर आप देखोगे तो कितना बड़ा पहाड़ी एरिया अभी तक हमने इसको बाय भी नहीं करा है तो ऐसा मत बोलोगे वो नो पहाड़ नहीं है बहुत बड़े बड़े अभी पहाड़ है uh, ये वाले रोड को हम इधर की सीढ़ से कनेक्ट कर देंगे ताकि अभी यहाँ पे जो भी कोल वगैरह प्रोड्यूस होगा या और प्रोड्यूस होगा वो सीधा यहाँ से अपने एयरपोर्ट पर जाके एक्सपोर्ट किया जाएगा बाहर की सिटीज़ को एंड देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे एली यूज करेंगे क्योंकि अंदर की तरफ अगर बड़े रोड बना दे तो यहां रोड के नीचे काफी सारा अपना ओवर वगैरह चला जाएगा तो वो चीज मैं नहीं चाहता सो दैट्स लोग पे ऐसे एली क्रिएट करेंगे नाइनटी डिग्री में और यहां पे तीन चार फैक्ट्रीज लगा देंगे हम लोग दो, ती, दो तीन और की और दो तीन में भी कोल की ऐसा हम लोग ना डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे आ, इन मतलब इसमें और फिर ये लोग यहाँ से थोड़ा सा और आगे की तरफ लेके चलते जलते और इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देते तो यहाँ पे अपना एरिया तो मार्कआउट हो गया और अभी जल्दी से यहाँ पे मैं एरिया डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ सबसे पहले हम लोग ओवर माइन लगाएंगे ये वाले एरिया में अपनी एक ओवर माइन लग चुकी है और फिर एक सेकेंड में एक और बार देखता हूँ कितना नेचुरल रिसोर्स है ये वाले भी एरिया में एक और लगा दें ठीक है इधर लगा दे थोड़ी सी यहाँ पर एंड uh, uh, अभी uh, लगाते हैं कोल माइन तो कोल माइन अपनी इधर रहेगी ये वाले पार्ट में इधर का सारा कोल निकालेगी एंड एक माइन इधर लगाते हैं एंड ये वाला जो पार्ट बचा है यहाँ पे हम लोग एक और ओवर माइन लगा देंगे ठीक है ये वाला एरिया है पूरा कवर कर लेगी जस्ट लाइक दिस तो अपना uh, मैंने मार्कआउट कर दिया यहाँ पर फैक्ट्रीज एंड जल्दी से अभी इनको मैं यहाँ पे इनका जो एरिया है उनको मार्कआउट कर देता हूँ ये वाला भी एरिया गाइज मैंने इसको मार्कआउट कर दिया तो अभी अपना कोल माइनिंग और ओवर माइनिंग कुछ इस तरीके से दिखता है क्या ही ऑर्गेनाइज तरीके से अभी ये बन रहा है आई मीन दिख रहा है अच्छा लग रहा है और फिर इसके बाद अपनी एक ए वाली माइंड है बस अभी इसी को मार्कआउट करना रह गया तो इसको भी हम एक्जैक्टली exactly इसी के माप एक बनाएंगे एकदम सेम टू सेम ये यहाँ पे 90 डिग्री में आएगा आई थिंक थोड़ा सा और आगे चला जाएगा थोड़ा सा पीछे आ जाइए इतना आगे जाने की जरूरत नहीं है ये यहाँ से यहाँ पे आएगा आई थिंक इतना एरिया ही परफेक्ट है सो so, जितना भी और पड़ा था या कोल पड़ा था हमने यहाँ पे फैक्ट्रीज लगा दी एंड देखते देखते बिल्डिंग वापस बन गई रे एकदम परफेक्ट बनी है तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया इन लोगों में जो भी यहाँ पे कोल या ऑयल प्रोड्यूस होगा एंड लेट मी चेक यहाँ पे कौन सी इंडस्ट्रीज बनी है जैसे कि आपको मैंने बताया था यहाँ पे ग्रेन्स की फैक्ट्रीज बनेंगी तो यहाँ पे ये यह ग्रेन्स की फैक्ट्रीज तो ये लोग क्या क्या प्रोड्यूस करेंगे ग्रेन प्रोड्यूस करेंगे एंड कॉन्वीनियंस फूड प्रोड्यूस करेंगे वाओ ये ये वाला चीज़ टेक्सटाइल प्रोड्यूस करेगा इसके इसके लिए लाइफ स्टॉक्स चाहिए ये वाला मेटल्स एंड स्टील आई I मीन mean, वही सारी बनी मतलब नॉर्मल भी बनी है जिस चीज़ की डिमांड आई थिंक वही वाली फैक्ट्रीज बनती है तो अभी एक बार मैं देख लेता हूँ यहाँ पे क्या चल रहा है प्रोडक्शन अपना अभी तो नहीं बढ़ा है आई I मीन mean, अभी अभी, अभी आई थिंक बनी है तो डैट्स आई प्रोडक्शन तो इतनी जल्दी नहीं बढ़ेगा और अपना मेटल का प्रोडक्शन थोड़ा सा डाउन चला गया था क्योंकि यहाँ पे हमने अभी अभी तो ये फैक्ट्रीज़ लगाई है और देखते देखते अभी यहाँ पे फैक्ट्रीज़ लोगों ने अपग्रेड करना शुरू कर दिया न इसी के साथ साथ अभी मुझे यहाँ पे रोड के कनेक्शन करवाने पड़ेंगे तो मैं सोच रहा हूँ हम ये वाले रोड को सीधा इस रोड से कनेक्ट कर देंगे है ना आई मीन हाईवे से तो क्या होगा अगर यहाँ पे मैंने इस रोड को हाईवे पे कनेक्ट कर दिया तो ये वाली व्हीकल्स ये वाला पूरा ऐसा राउंड अबाउट लेके इंडस्ट्रीज़ के अंदर जा सकती है यहाँ तक अरे ये तो बाहर ही चली जाएगी फिर यहाँ पे आने के लिए आई थिंक मुझे इधर से एक रोड बनाना पड़ेगा वेट hmm, करो गाइज़ ये मैंने यहाँ पे एक और कनेक्शन बना दिया है वाला भी रोड हम यहाँ से नाइन्टी डिग्री में लेके आएंगे और ये हाईवे रहेगा ओनली जाने के लिए यहाँ से यहाँ तक तो अभी यहाँ पे गाइज़ देखो जितना भी कोल एंड और प्रोड्यूस होगा तो ये सारा का सारा रॉ मटेरियल इस वाले हाईवे से जो ट्रक्स वगैरह है वो लेके सीधा ये वाला पूरा ऐसा रूट घूम के अपने इंडस्ट्रियल एरिया में इजीली घुस सकते हैं यहाँ से नीचे चले जाएंगे एकदम परफेक्ट सिंपल रास्ता है यही से एक्जैक्टली सारी व्हीकल्स उसी रूट से जा रही है जो वाला रूट हमने पहले मतलब ये मैंने ऑफ कैमरा बनाया था बट ये अभी जो मैंने उसको कनेक्ट करा है वो ये वाला रूट है यहाँ से व्हीकल्स इजीली 90 डिग्री में टर्न लेके अपने सिटी से बाहर भी जा सकती है और अपने एयरपोर्ट पे भी जा सकती है इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे क्योंकि वाला सीधा हाईवे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ही जाता है क्या ही प्यारे नज़ारे हैं वहाँ पे अपने ऑफिस वाली बिल्डिंग्स है इधर अपना वो बड़ा सा टावर है रेजिडेंशल एरिया हाई डेंसिटी रेजिडेंशल एरिया कुछ फैक्ट्रीज़ है एंड ये आई थिंक सिटी से बाहर ही जा रही है अपने आई थिंक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास यहाँ पे थोड़े से बम्स है क्योंकि थोड़ा सा एरिया अनिवन था और ये अपना आ गया नदी या समंदर नदी बोलेंगे मैं इसको ठीक है यहाँ से अपनी शिप्स भी दिखाई दे रही है भाई क्या बढ़िया नज़ारे हैं मेरे को देखना ये वाली व्हीकल कहाँ पे जा रहा है आई थिंक सिटी से बाहर ही जा रही है डेस्टिनेशन पैट पैट बैक मेडिकल ओके okay, मेडिकल में जा रही है काहे का मेडिकल का भाई इसके अंदर वैसे कोई पैसेंजर तो है नहीं एक सेकेंड भाई रुक जाना मेरे को तेरे को फॉलो करना है अभी ये ब्रिज क्रॉस करके आई थिंक दूसरी तरफ जाएगी लेट्स सी कहाँ पे जाती है एंड देखते ही देखते अपना दूसरा और माइनिंग का बिल्डिंग आ गया यस yes! ये सिटी से एक सेकेंड में देख लेता हूँ ये कहाँ पे इसका डेस्टिनेशन कहाँ पे दे, चेक द डेस्टिनेशन आई थिंक एयरपोर्ट टाउन में ही जा रही है रोजी डिस्ट्रिक्ट में या yeah! रोजी डिस्ट्रिक्ट में ओके okay, यहाँ पे जा रही है ठीक है नो प्रॉब्लम वैसे रोजी डिस्ट्रिक्ट का पॉपुलेशन वगैरह एक बार देख लेता हूँ यहाँ पे क्या चल रहा लोग है लोग हैप्पी तो है ना या लोग हैप्पी है बस स्मॉल होम्स नहीं है तो स्मॉल होम्स के लिए आई थिंक मुझे यहाँ पे आई थिंक लास्ट टाइम भी यही इशू आया था तो यहाँ पे कुछ मीडियम डेंसिटी हाउसिंग मार्कआउट कर दू मैं हाँ मीडियम डेंसिटी का मार्कआउट कर ही देते तो यहाँ पे आते मीडियम डेंसिटी में uh, रेसिडेंशियल एरिया बनाने ओके यहाँ पे ये यह वाला पार्ट है तो यहाँ पे अपने कुछ मीडियम डेंसिटी वाला मार्कआउट हो जाएंगे ये यह मैंने यहाँ पे मीडियम डेंसिटी मार्कआउट कर दिया एंड एक नया सिग्नेचर बिल्डिंग अनलॉक हो गया गेट हाउस रेसिडेंस रूबी क्यू अपार्टमेंट्स ये भी लग्जरी अपार्टमेंट गाइस अनलॉक हो चुका है रेसिडेंशियल एरिया में तो अभी ये सारे के सारे जो रेसिडेंशियल एरियाज वाले बिल्डिंग है वो मुझे लगाने पड़ेंगे और इनको मैं अपने नई सिटी के अंदर लगाने की सोच रहा हूँ एंड नई सिटी के अंदर मी चेक बड़ी बिल्डिंग्स गाइज बन गई भाई क्या खूबसूरत लग रहा है ये एरिया लेट्स गो आई मीन यार सीरियसली अभी ना अपनी सिटी बहुत वेल well ऑर्गेनाइज और वेल well डेवलप्ड लग रही है ये वाला पार्ट तो भाई क्या ही बताऊँ मैं एकदम परफेक्ट पार्ट हो गया और वैसे यहाँ पे भी अभी डेवलपमेंट्स करना बाकी है लेकिन यार इस गेम में अभी इतनी चीज़ें करना बाकी है ना तो मैं हमेशा भूल जाता हूँ मुझे क्या क्या करना मतलब मैं वीडियो बनाने से पहले प्लान तो करता हूँ मेरे को ये चीज़ करनी है वो चीज़ करनी है लेकिन जब बनाता हूँ तो एक ही चीज़ में ऐसा खो कर जाता हूँ कि भाई वो चीज़ें बनाना बाकी रह जाती है एंड देखते देखते यहाँ पे अपना कमर्शियल बिल्डिंग्स भी बन गई कितनी प्यारी लगती है यार ये कमर्शियल बिल्डिंग सीरियसली अमेरिकन थीम वाली बहुत प्यारी है जस्ट लुक एट द व्यू गेट वे हाउस रेसिडेंट ये वाला मैं वेल बिंग यहाँ पे बिल्डिंग लगाने वाला हूँ अपना सिग्नेचर बिल्डिंग इससे अपना हैप्पीनेस लेवल 2.5 किलोमीटर तक बढ़ जाएगा तो आई थिंक फिर मुझे ना इसको ना सिटी के बीच में लगाना चाहिए क्योंकि फिर इधर 2.5 किलोमीटर और इधर टू किलोमीटर तो हाउ अबाउट कॉलेज के ये वाले पार्ट में कैसा रहेगा नहीं कॉलेज में नहीं सिटी uh, के बीच में आई थिंक ये वाला सिटी का एक्जैक्टली बीच वाला पार्ट है तो यहाँ पे लगा जाए ठीक है इधर के कुछ हाउसेस हट जाएंगे बट ये मैंने लगा दी एंड मैसिव मेट्रोपोलिस अनलॉक हो गई हमको छह मिलियन डॉलर्स मिल गए लेट्स गो और लेट्स सी ये बिल्डिंग कैसी है वैसे दिखने में तो काफी प्यारी और यूनिक सी बिल्डिंग है यार कितना बढ़िया है तो अभी इससे अपना सिटी का हैप्पीनेस लेवल बढ़ चुका है वेल्बिंग well लेवल बढ़ने वाला था और ये बना दिया फिर एक और सिग्नेचर बिल्डिंग है आ, ये वाली रूबी क्यू अपारमेंट्स लग्जरी स्टाइल ब्रिक वॉल बिल्डिंग दैट हैज मेनी विजुअल एस्पेरेंट एस्पेक्ट इससे टू किलोमीटर तक एट प्लस वेल्बिंग बढ़ जाएगा Uh, तो ये मैं यहाँ पे लगा देता तो यार एक तो ये वाले एरिया में होनी चाहिए ना इतना प्यारा एरिया है बनता है यार यहाँ पे तो ये वाले कोने में इसका मुंह इधर होना चाहिए यार दिखनी तो चाहिए ठीक से तो यहाँ पे बना देते ठीक है ये वाले पार्ट में परफेक्ट ये मैंने बना दी और वेल बिंग ये आई थिंक दिखता नहीं है बट लोग लोगों को अच्छा लगेगा ये बिल्डिंग देख के कितना प्यारा है यार ओह सामने की तरफ तो एक फाउंटेन वगैरह है तो लोग इसको विजिट करने के लिए वगैरह आएंगे बेल्ट आर पाइंट्स ये वाला भी बिल्डिंग है और इस वाली बिल्डिंग को मैं Uh, अपने ये वाले सिटी के अंदर लगाते हैं या यहाँ पे एक आई थिंक जरूरत पड़ेगी अपना रोज़ी डिस्ट्रिक्ट में एयरपोर्ट के सामने मैं इसको लगाने की सोच रहा हूँ ये मैंने यहाँ पे एयरपोर्ट के सामने ये बिल्डिंग लगा दी एंड जस्ट लुक एट द व्यू एकदम छोटा सा बिल्डिंग है कितना कॉम्पैक्ट है भाई ये ओ तो एक और हमने सिग्नेचर बिल्डिंग लगा दी है यहाँ पर अपना यार सबवे स्टेशन है जिसके अंदर अभी व्हीकल्स वे, नहीं है आई एम सो सॉरी यहाँ पे व्हीकल्स वगैरह वैसे मैं बना सकता हूँ अभी सबवे के स्टेशन का है क्यों ना मैं कुछ कनेक्शन बनवा दूँ क्योंकि यार मुझे बनवाने भी है और वैसे भी सबवे के स्टेशन में सोच रहा हूँ जहाँ से अपनी ट्रेन जा रही है ना वही के कनेक्शन सभी मैं बन, बनवाने की सोच रहा हूँ तो अभी सबवे के लिए आते हैं यहाँ पे पेज डाउन करते हैं या गया सबवे का ट्रैक आ, डबल ट्रैक या तो सबवे का ये वाला ट्रैक है इस वाले ट्रैक को अगर मैंने यहाँ पर भी दूसरा कनेक्शन बनवाया था ना इसको अपग्रेड करा था कहाँ पर वो सब वे एक सेकेंड कहाँ पे क्या वो दूसरा ओके ये वाला स्टेशन इसको आई थिंक मैंने अपग्रेड नहीं करा है हम्म इसको का अपग्रेड करना बाकी रह गया वो वेट ये वाले यार अद्वितीय स्टेशन को अपग्रेड करना बाकी रह गया तो इसको मैं अपग्रेड कर देता हूँ एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म लगा देते हैं फिर हम लोग यहाँ पे ये सब वे इंटरफेस लगा देंगे सब वे का कनेक्शन बन जाएंगे फिर ये टैक्सी स्टॉप लगा देंगे एंड एक और चीज़ स्टेशन सर्विसेज तो सारी चीज़ें लगा दी सिटी के चारों तरफ के लोग खुश हो गए एंड अभी हम लोग यहाँ पे ईजिल एक और सब्वे का कनेक्शन बना पाएंगे जस्ट लाइक दिस फिर लोग ना ट्रेन से भी ट्रैवल करेंगे और सब वे से भी ट्रैवल करेंगे Uh, कुछ इस तरीके से ये 90 डिग्री में यहाँ से यहाँ तक आएगा और कंप्लीट द रूट तो ये रूट को मैंने कंप्लीट कर दिया एक सर्वे का स्टेशन बन गया और फिर आई थिंक एक और सर्वे का स्टेशन इधर है तो इसको भी हम लोग सामने की तरफ लेके आएंगे एक सेकेंड बीच में भी आई थिंक वो ये पहला वाला रूट है सर्वे का क्या करें इसका डिलीट कर करो मैं डिलीट कर देते हैं पहला वाला इसका क्या ही करना है मतलब नया बना देंगे हम बाद में तो ये पहला वाला मैंने सर्वे का रूट डिलीट कर दिया एकदम बढ़िया बना था बट ठीक है कोई बात नहीं फिर ये वाले रूट को मैं सामने की तरफ लेके चलता हूँ जस्ट लाइक दिस मैंने सबवे की जो लाइन है वो तो यहाँ पे बना दी है बट अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होगा कि यहाँ पे सबवे का स्टेशन कहाँ पे बनाएंगे वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि स्टेशन लगाना इस गेम में थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है आ, बट उसका भी हम कुछ सोल्यूशन ढूंढ लेंगे मे बी इसी के साइड में क्यों ना लगा था ये वाला पार्ट तो वैसे बचा ही है तो एक और सबवे का स्टेशन इसके सामने आई थिंक यही वाला आइडिया इज़ बेटर रहेगा तो और इसके सारे से सारे कनेक्शन हम अंडरग्राउंड कर देंगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा तो ये रूट को थोड़ा सा और सामने की तरफ लेके आते हैं और इधर अपना एक और सबवे स्टेशन रहेगा आई एम सो सॉरी आई बट यहाँ पे फिट तो होना चाहिए आई थिंक फिट हो जाएगा सबवे यार्ड ओके okay, फिट हो गया नो no वरीज तो ये थोड़ा सा यहाँ पे लगाते हैं एक और सबवे यार्ड हमने लगा दिया तो यहाँ से भी सारे के सारे सब्वेज अंडरग्राउंड जाएगी मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सबवेज़ को जाने में तो ये वाले वैसे सबवे आई थिंक ट्रेन ट्रैक से भी जाती है ना सबवे तो क्या होगा मैंने guys, ये कभी ट्राई नहीं करा है लेटिन लेकिन लेट ले, मी चेक अगर मैंने ये रूट को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया तो होगा क्या ये नहीं नहीं हो गया मुझे लगा ही था मतलब थोड़ी कनेक्शंस वो एक दूसरे से होंगे तो अभी सब वे के कनेक्शंस के लिए ये वाले रोड को हम पेज डाउन करेंगे कुछ इस तरीके से अंदर की तरफ ये मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया सबवे स्टेशन से सबवे का ट्रैक एंड आई थिंक अभी सबवे जाने के लिए यहाँ से तैयार होंगी बट अभी मुझे सब्वे के हाँ कनेक्शन बनवाने पड़ेंगे तो अभी काम करते हैं एटलीस्ट कनेक्शंस तो बनवा के देखते हैं तो अभी सब का अपना अंडरग्राउंड ट्रैक है अंडरग्राउंड है तो अभी सब हमको दिखेगी भी नहीं तो इसका कलर कौन सा मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता तो सब्वे की सबसे पहली लाइन हम लोग यहाँ से कितनी दो लाइन से ना ओके दो ही लाइन से तो ये वाली लाइन सबसे पहले हम कनेक्ट करेंगे इधर के ट्रेन स्टेशन को नहीं सबसे पहले दूर वाली बनाते हैं बट ये बनेगी क्या मुझे नहीं लगता ये बनेगी क्योंकि मुझे इसका पूरा पूरा एक राउंड बाउट वाला जो रूट होता है वो कंप्लीट करना होता है तो ठीक है कोई नहीं फिर काम करते हैं फिर इसका भी मैं जो रूट है वो पूरा कंप्लीट कर देता हूँ मतलब सो गाइज सब का हमने अभी यहाँ पे एक पूरा एक राउंड रूट कनेक्ट कर दिया है तो अभी आई थिंक अभी तो कनेक्शन बनने चाहिए अभी बनेगा कनेक्शन सो लेट्स सी अभी कनेक्शन बनता है कि नहीं तो ये आगे अपनी सब वे सब्वे का सबसे पहला कनेक्शन हम यहाँ से बना देंगे इधर के ट्रेन स्टेशन पे जो कि यहाँ से यहाँ तक बनेगा मैंने बोला था ना ये कनेक्शन बन जाएगा और इसको फिर वापस मैं कनेक्ट कर देता हूँ ये वाले ट्रेन स्टेशन पे परफेक्ट एक सबवे का कनेक्शन कंप्लीट हो गया अभी यहाँ पे सबवे दौड़ना शुरू कर देगी और दूसरा कनेक्शन हम लोग आ, कलर मैटर नहीं करता बट फिर भी इसको हम व्हाइट सब्वे यार व्हाइट ट्रेन कैसी दिखती है अभी तक मैंने यार बनाई नहीं मुझे ट्रेन का भी एक वाइट कनेक्शन करवाना चाहिए ये वाली लाइन यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दी सो गेम्स फाइनली सबवे वे की जो लाइन्स है वो हमने कंप्लीट कर दी है दोनों ट्रेन स्टेशन से तो अभी लोग सबवे का भी यूज़ करेंगे एग्जैक्टली exactly अपने ट्रेन के जगहों पे तो जब ट्रेन फुल हो जाएगी या लोगों को जब ट्रेन से ट्रैवल नहीं करना होगा तो लोग सबवे का यूज़ करेंगे एंड आई थिंक हमको यहाँ पे सबवे का भी पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा तो सबवे की टोटल तीन लाइन्स है तीन नहीं दो ही लाइन से हाँ एक सब्वे की लाइन है और ये दूसरी लाइन है तो इसका अगर हम डिटेल देखें तो यहाँ पे कितनी व्हीकल्स है कितने लोग हैं दो स्टॉप से हमको सब कुछ पता चल जाएगा नौ किलोमीटर की लाइन है और तीन व्हीकल्स एक्टिव है ये वाला जो सब्वे का ट्रैक है गाइज वो सीधा यहाँ से अपने एयरपोर्ट के लिए जाने वाला है क्योंकि अपने एयरपोर्ट पर भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दो तीन सब्वे के स्टेशन थे और इसका रोड यहाँ पर है तो ये इससे कनेक्ट हो जाएगा पेस डाउन कनेक्ट हो जा भाई ये कनेक्ट ओके कनेक्ट नहीं हो रहा ओके हो रहा है हो गया अरे नहीं हुआ एक सेकेंड नो वरीज तो एक काम करते हैं इसको ना यहाँ से मैं हटा के Uh, वापस ये वाला ट्रैक इधर लेके आता हूँ आई मीन इसको बनाते वापस से ठीक है इधर से हम ट्रैक लेके आएंगे ऊपर uh, आ जा भाई आ जा मेरे भाई प्लीज़ आ जा थिंक कुछ ज़्यादा ही पेज ड्राउन बनाया क्या मैंने अभी इसको भी कनेक्ट कैसे इसको भी सिलेक्ट कैसे करूँ मैं भाई प्लीज़ ऊपर आ जा क्या लेगा ऊपर आने ऊपर आ जा एक सेकेंड तो एक काम करते इसको मैं पूरा वापस से ही लेके आता हूँ इधर से ठीक है जहाँ से ही आया था ओके okay, इधर से यहाँ से तो अभी पेजप आ जाएगा कम ऑन कनेक्ट या ये इधर से कनेक्ट होगा तो इसको हमको कनेक्ट करके इधर लेके जाना है तो यहाँ से ये इधर को आएगा परफेक्ट तो सो गाइज सबवे का जो कनेक्शन है वो मैंने अभी यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है तो अभी सबवे का अपना ये वाला यार्ड था इसको मैंने अपडेट कर दिया है तो जो दूसरी लाइन रहेगी अपने सबवे की ये वाले लाइन से सीधा सबवे अपने इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जा सकती है कुछ इस तरीके से और आई थिंक अभी यहाँ पे ये काम करना शुरू कर देगी यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसकी लाइन बन जाएगा, no uh, bro, जाएगी आई थिंक ऑटोमेटिकली नो व्हीकल्स असाइंड डोंट वरी ब्रो अभी तेरे पास व्हीकल्स आना शुरू हो जाएंगे तो इसकी जो लाइन है वो आई थिंक मुझे वापस से क्रिएट करनी पड़ेगी तो डोंट वरी यहाँ पे मैं एक और लाइन बना देता हूँ सबवे स्टेशन को गाइज अभी मैंने फुल्ली तरीके से अपग्रेड कर दिया है और इसको अभी मैंने कनेक्ट कर दिया अपने इंटरनेशनल एयरपोर्ट से तो अभी लोग सीधा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अपने बाकी के सबवे स्टेशन पर ईजिली ट्रैवल कर सकते हैं एंड जो अपने आज नई सिटी डेवलप करिए वो लगभग पूरी तरीके से डेवलप हो गई है भाई क्या प्यारे नज़ारे हैं इट्स लुकिंग सो गुड यहाँ पे काफ़ी ऊंची बिल्डिंग्स है इधर so अपना कमर्शियल एरिया है और ये सारी चीज़ें आई I मीन mean, सारी बिल्डिंग्स नॉर्थ अमेरिकन स्टाइल से बनी है एंड आज हमने सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में एक शिप यार्ड बनाया था आई मीन यू नो कार्गो हार्बर बनाया था कार्गो नहीं बस हार्बर बनाया था ये वाला हार्बर भी बहुत प्यारा है सो so, आज के सिटी स्काइलैंड के पहले वीडियो में आई मीन डेवलपमेंट के बाद पहले वीडियो में इतना ही था नेक्स्ट uh, वीडियो में मुझे और कौन सी कौन सी चीजें करनी चाहिए मुझे प्लीज में सजेस्ट कर दो नेक्स्ट वीडियो में मैं सोच रहा हूँ कि अपना जो एयरपोर्ट का ये वाला पार्ट है यहाँ पे मुझे सिटी डेवलपमेंट थोड़ा सा और करना बाकी है और सिटी का पॉपुलेशन लगभग वापस से तरह हजार के पार पार चला गया तो जितने लोग मर गए थे रीडेवलपमेंट के बाद वो सारे लोग वापस सिटी के अंदर आ चुके हैं इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर अभी भी थोड़ा सा हायर एजुकेशन का इशू चल रहा है उसके लिए मुझे कुछ और यूनिवर्सिटी स्कूल्स लगाने पड़ेंगे तो वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आज के लिए इतना ही था प्लीज़ आपके क्या विचार है क्या सोच रहे हो आप इसके बारे में मुझे कमेंट्स में बताओ मुझे क्या चेंजेस करने चाहिए उसके लिए आप कमेंट्स कर सकते हो या आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो वेबो गेमिंग ई कर सकते हो वर्क फॉर वेबो एंड मैंने अपने चैनल की मेंबरशिप लॉन्च करिए तो प्लीज उसको भी चेकआउट करो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन है finally,